बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यह 11th क्लास का बायोलॉजी का पहला यूनिट है। बच्चों, इस यूनिट का हम लोगों ने पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड बच्चों पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया। तो बच्चों, चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। बच्चों, हम लोग कौन सा चैप्टर का नाम क्या है बताइए, चैप्टर का नाम क्या है बताइए बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो बच्चों इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन तो मैं बच्चों आपको बताया था, याद कीजिए। मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन क्या था, इसका डिफिनेशन मैं आपको बताया था क्या, कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मतलब क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बांटा जाता है। और बच्चों, मैंने कहा था सबसे बड़ा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किसे कहते हैं, किंगडम को। ये आपको मैं पढ़ा चुका था बच्चों, है ना, पहले ही। अब कहता है कि बच्चों याद रखना एक बात, सबसे पहले बच्चों इस वर्ल्ड में साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले बच्चों साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा बच्चों, एरिस्टोटल के द्वारा बच्चों। और आप जानते हो अच्छे तरीके से एरिस्टोटल क्या थे, वो थे, उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है बच्चों। तो दुनिया में पहली पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसने बांटा था बच्चों, तो आप कहोगे एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने बांटा था। अब ध्यान देना बच्चों, कहता है क्या, ये सब बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है बच्चों, ये सब जो है ये सब बहुत पहले की बात है। देखते, बहुत ही पहले की बात है बच्चों, BC बिफोर क्राइस्ट, है ना, 384 to 322 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना बच्चों, ये बहुत पहले की बात है। तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, ये कभी भी नहीं पूछने वाला है, ये कब हुआ था ये सब कोई नहीं पूछेगा। बस इतना याद रखना, तुम्हारा NCERT बुक का यह लाइन है बच्चों, यह लाइन किसका है, NCERT बुक का। तो बच्चों, आपने क्या सीखा बताओ, कि एरिस्टोटल पहले ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्रयास किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटने का, लेकिन आधार क्या था, साइंटिफिक आधार क्या था बच्चों, ऐसे मन तैसे नहीं बांट दिया कोई चीज को। आधार क्या था बांटने का, साइंटिफिक। क्या था आधार, साइंटिफिक था बांटने का, ठीक। अब देखो, फिर देखो, कहता है इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया था बच्चों प्लांट को बांटने के लिए। समझे बच्चों, इन्होंने प्लांट को बांटने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किया था बच्चों। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब बच्चों, आप कहोगे मॉर्फोलॉजी तो आपको पता है बच्चों, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या किया बच्चों, प्लांट्स को बांट दिया आपका, कि प्लांट्स को बांट दिया बच्चों 3 ग्रुप्स में। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को बांट दिया 3 ग्रुप में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आप जानते हो हर्ब्स क्या होता है बच्चों, एकदम छोटा प्लांट्स होते हैं, जैसे कैसे आप ग्रासेस वगैरह को देखते हो बच्चों, ग्रासेस छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हर्ब्स। श्रब्स क्या हो गया बच्चों, झाड़ियाँ हो गया। और ट्रीज बच्चों क्या हो गया बताओ, तो आपका क्या हो गया, ट्रीज पेड़ हो गए बच्चों।
एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया बच्चों दो ग्रुप में। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को बच्चों क्लासिफाई किया दो ग्रुप में बच्चों, ये सारा एनसीईआरटी में है बच्चों। कहता है एरिस्टोटल ने एनिमल्स को बांट दिया दो ग्रुप में, एक एनाइमा दूसरा इनाइमा। कौन सी मा? एनाइमा इनाइमा। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को बांट दिया दो ग्रुप में, कौन सा? एनाइमा इनाइमा। एनाइमा क्या है बच्चों? तो एनाइमा में वो ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिनका ब्लड लाल नहीं था, जिनका ब्लड लाल नहीं था, जिनका ब्लड लाल नहीं था बच्चों। कहता है जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं आपको किंगडम एनिमेलिया पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इन कि आपका दो तरह के एनिमल्स होते हैं, इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये सब का आपको मैं अंतर पढ़ाऊंगा बच्चों। तो इन वर्टिब्रेट जैसे बहुत सारे ऐसे इन वर्टिब्रेट्स हैं बच्चों जिनका ब्लड जो होता है ना रेड कलर का नहीं होता है बच्चों। तो कहता है हम लोग एक बात याद रखिएगा आप लोग कि बच्चों हम लोग एक जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं। बायोलॉजी में हर जगह बच्चों एक्सेप्शन मिलता ही मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनाइमा में वैसे एनिमल्स आते हैं जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, और दूसरा बच्चों इनाइमा, इनाइमा में क्या हुआ बच्चों? तो इसमें वैसे एनिमल्स आते हैं जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होता है, जिनके पास बोलो क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं बताओ बच्चों? इनको हम लोग इसमें आते क्या है? तो इनका एग्जाम्पल बच्चों वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स बच्चों आपका जैसे कैसे कहते हो मछली हो गया आपका, मतलब मछली, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, रेप्टाइल्स है ना, जैसे रेप्टाइल्स में बच्चों क्रोकोडाइल आ गया, स्नेक्स आ गया, उसके अलावा बच्चों बर्ड्स, बर्ड्स में जानते हो बच्चों है ना, उसके बाद बच्चों मैमल्स, मैमल्स में बच्चों हम लोग आ ही गए। तो ये आपका ऐसे इन्होंने बांटा था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या एरिस्टोटल ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा, भले ही उनका आधार साइंटिफिक था लेकिन क्या वो सही क्लासिफिकेशन था? नहीं था बच्चों, वो रिजेक्ट हो गया। अब बच्चों आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन आया बच्चों? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बच्चों इसके बारे में देखते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को बच्चों दिया था किसने? तो कहोगे बच्चों दिया था कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन को कैरोलस लिनियस ने दिया था बच्चों। कब दिया था बच्चों? 1758 में। बच्चों ये याद रखना जरूरी नहीं है आपको, ठीक है ना, ये कभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक, कब दिया था ये कोई नहीं पूछता है। तो बच्चों याद रखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज दिल्ली भाई, बोलो कैरोलस लिनियस, दिल्ली भाई, ये सब मेरा स्टाइल अपना खुद का बोलने का। इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आर बांटल जाए, बोलो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, आर क्या बोलोगे बताओ? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू, क्लासिफाइड इनटू बताओ टू किंगडम्स। तो लिविंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया दो किंगडम में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों दो किंगडम में। एक किंगडम का बच्चों नाम क्या था आपका? बोलिए एक किंगडम का नाम क्या था? प्लांटी। और दूसरे किंगडम का नाम क्या था बच्चों? एनिमेलिया। याद रखिए बच्चों, तो मतलब या तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बच्चों इसमें क्या था, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स में रखिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल्स में रखिए बच्चों, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखिए? प्लांट्स में, या दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखिए एनिमल्स में। बताओ बच्चों क्या ये क्लासिफिकेशन सही था? ये भी सही नहीं था बच्चों, इसीलिए इसको भी रिजेक्ट कर दो, इसी को भी क्या कर दो बच्चों? रिजेक्ट कर दो बच्चों। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजेक्ट हो गया। तो बच्चों आया कौन? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बच्चों थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल, अर्नस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट ने बच्चों 1866 में दिया था। ये कोई नहीं पूछेगा बच्चों कब दिया था,
कब दिया था, कहाँ दिया था, ये सब कोई नहीं पूछने वाला है। बस इतना याद रखना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय अर्नसेकल। तो इन्होंने क्या क्या बच्चों, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज को बताओ बांट दिया कितना किंगडम है बच्चों, थ्री किंगडम है। बताओ नाम है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज को बांट दिया थ्री किंगडम है बच्चों। कहता है वो तीन किंगडम कौन था बच्चों, तो आपका पहला एक प्रोटिस्टा बच्चों, प्रोटिस्टा। दूसरा प्लांटी तो था ही बच्चों पहले से प्लांटी था ही। तीसरा बच्चों एनिमेलिया। तो बच्चों प्रोटिस्टा याद रखना। तो मेडिकल का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि बताओ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा नया किंगडम जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा। तुम बताओ बच्चों थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा नया किंगडम को जोड़ा गया, प्रोटिस्टा। आवाज नहीं आया, जोर से बोलो, प्रोटिस्टा। हाँ वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो फिर सुनो, तो बच्चों सुन लीजिए। तो कहता है जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने देख लिया लिविंग ऑर्गेनिज को तीन किंगडम में बांटा गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। अब बच्चों प्रोटिस्टा जो है इसमें रखा गया बच्चों किसको, तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को बच्चों इस प्रोटिस्टा में रखा गया। प्रोटिस्टा में रखा गया किसको, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को बच्चों, इसमें रखा गया एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को। लेकिन बच्चों पूछता है इंडिया क्या एक क्लासिफिकेशन सिस्टम सही था, बोलोगे नहीं। एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था सही, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या सही था, नहीं था। क्यों नहीं था, सवाल उठता है क्यों नहीं था यह क्लासिफिकेशन सिस्टम सही। तो आप इसका आंसर बोलोगे बच्चों, आप इसका आंसर ये बोलोगे क्योंकि एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल से ही बना हो सकता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल से ही बना हो सकता है। तो आप बताइए क्या प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को और यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दोगे, क्या एक साथ रख दोगे बच्चों, क्या प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को और यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दोगे बच्चों। एक सही नहीं है बच्चों, वो ऐसे ही सही नहीं है। क्या देवता राक्षस को एक साथ रख दोगे, नहीं बच्चों, देवता राक्षस दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, दोनों को अलग अलग रखेंगे। तो उसी तरह से बच्चों कहता है ये आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं था कि एक किंगडम प्रोटिस्टा में एक सेल का ऑर्गेनिज को रखा गया। लेकिन बताओ वो एक सेल का ऑर्गेनिज तो प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है। तो बताओ ये आपका कहीं से भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम सही नहीं था बच्चों। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया बच्चों। अब आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय कोपलैंड। बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बच्चों कोपलैंड। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने दिया, कोपलैंड ने। किसने दिया, कोपलैंड ने दिया बच्चों। कब दिया, 1956 में। कब दिया, 1956 में बच्चों, ये याद रखने का जरूरत नहीं है बच्चों। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज को बांटा गया बच्चों फोर किंगडम में। दिमाग लगाओ बच्चों, कहता है नाम है फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज को बांटा गया फोर किंगडम में बच्चों। कहता है फोर किंगडम का नाम क्या है बच्चों, तो मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। अब बच्चों मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताइए मेडिकल का एग्जाम में यह क्वेश्चन आया कि बताइए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किस किंगडम को जोड़ा गया, तो बताओ बच्चों मोनेरा। आपका आंसर क्या था, मोनेरा। आपका आंसर क्या होगा, मोनेरा। याद रखिएगा आपका आंसर मोनेरा होगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा अब बच्चों, तो मोनेरा में किसको रखा गया जानते हो, इसमें रखा गया बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को बच्चों, इसमें रखा गया प्रोकैरियोट्स को बच्चों। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों उसको रख दिया गया मोनेरा में बच्चों, याद रखिएगा। और प्रोटिस्टा में बच्चों रख दिया गया जानते हो किसको, प्रोटिस्टा में रख दिया गया एक सेल के वैसे ऑर्गेनिज्म
एक सेल के वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बने हो, तो एक सेल के ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों जो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हो, ओके। एक सेल के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं कहता है बच्चों, तो याद रखिएगा, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, पता है ना आपको, बचपन में आपको पढ़ाया गया था, याद कीजिए, आप लोग जब बच्चे लोग जब जन्म आप लोग लिए थे उसी समय से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था कि सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बच्चों, तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बना होता है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। ये बचपन से आपको पढ़ाया गया है बच्चों। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, प्लांटी में जानते हो, प्लांट्स हो गया, एनिमलिया में एनिमल्स हो गया, लेकिन बताओ क्या ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सही था? नहीं था बच्चों, अभी भी इसमें कमी है बच्चों, अभी भी इसमें कमी है, जानते हो, अभी भी इसमें कमी है। अब हम लोग उस कमी को देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बच्चों। बच्चों अब हम लोग देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर एच विटकर। ये नाम आपको हर हाल में याद रखना है बच्चों, क्योंकि यह नाम एनसीईआरटी ने लिखा है, तो एनसीईआरटी जो भी लिख दे उसको ब्रह्मा का लकीर मान के आपको हर हाल में याद करना है। तो आर एच विटकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में बांट दिया। बच्चों अब हम लोग देखते हैं बच्चों वो फाइव किंगडम क्या क्या है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच विटकर नाम के साइंटिस्ट ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बच्चों। कब दिया याद रखना, 1969। इसलिए बच्चों ये जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। अब बच्चों तो इसमें आता क्या है, तो बोलोगे बच्चों अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम्स। बच्चों फाइव किंगडम्स में बांटा गया। वो फाइव किंगडम्स के बच्चों नाम जानते हो, वो फाइव किंगडम्स का नाम क्या क्या था जानते हो, था आपका मोनेरा था बच्चों, मोनेरा बच्चों था आपका प्रोटिस्टा बच्चों था क्या, अब देखिएगा बच्चों एक है आपका फंगी, एक बच्चों है आपका प्लांटी, और एक है बच्चों एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में रखा गया ऐसी ऑर्गेनिज्म को जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए थे, तो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ रखा गया कहां, किंगडम मोनेरा में बच्चों। इसकी कहानी खत्म हुई। हम लोग बच्चों जानते हो बच्चों, हम लोग को एक एक किंगडम का डिटेल पढ़ना है। अगर ये पांचों किंगडम पे अगर किसी बच्चे को कमांड हो गया तो कहता है बच्चों मैं चाची कसम कहता हूं कि आपका मेडिकल का एग्जाम में आपका 12 क्वेश्चन बनेगा इससे। कितना बच्चों, पूरा डाइवर्सिटी से कम 10 से 12 क्वेश्चन मेडिकल का एग्जाम में बच्चों रहता है। कहता है दूसरा बच्चों प्रोटिस्टा जाइए, कहता है प्रोटिस्टा में, इस प्रोटिस्टा में बच्चों किसको रखा गया, तो एक सेल का ऑर्गेनिज्म लेकिन उसका सेल का टाइप हो यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में रखा गया बच्चों एक सेल का वैसा ऑर्गेनिज्म को जो यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ था बच्चों। कहता बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, आप लोग फंगी का नाम सुने होंगे बच्चों, आपने फंगस का नाम सुना होगा बच्चों, अक्सर आप लोगों को खुजली उजली हुआ होगा बच्चों, कभी ना कभी खुजली हुआ होगा बच्चों, है ना। तो बताओ बच्चों जो फंगस होते हैं, ब्रेड पे लगा होगा आपने बच्चों, देखा होगा ब्रेड पे आपने देखा होगा बच्चों, ब्रेड पे कैसे ब्रेड मोल्ड फंगस लगता है,
आपने देखा होगा जरूर। तो बच्चों ब्रेड मोल्ड फंगस वगैरह आपने देखा था, तो पता है बच्चों आपको सुन के आश्चर्य होगा, सुन के आश्चर्य होगा, कहता है कि जो आपका जो फंगी था, जानते हो बच्चों, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले, चाहे वो टू किंगडम सिस्टम हो क्लासिफिकेशन का, चाहे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हो, जानते हो बच्चों फंगस को रखा गया था पहले किंगडम प्लांटी में। फंगस को कहाँ रखा गया था बच्चों, किंगडम प्लांटी में, मतलब प्लांट के साथ। देखो बच्चों साइंटिस्ट लोग भी जो होते हैं ना कन्फ्यूजियाल रहते हैं, धीरे धीरे उन लोग का भी बच्चों बुद्धि खुलता है, मतलब कहने का मतलब इसको अदरवाइज मत लेना, जैसे जैसे बच्चों रिसर्च होता है ना, जैसे जैसे उनका मेहनत जो होता है ना आपका सार्थक होते जाता है, वैसे वैसे बच्चों नए नए कंसेप्ट आते रहते हैं बच्चों। तो ये तो थोड़ा पढ़ाने के लिए मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ बच्चों, ये मत समझना कि मैं किसी साइंटिस्ट पर टिप्पणी कर रहा हूँ बच्चों, ये पूरा जिंदगी साइंटिस्ट दे देते हैं रिसर्च में। अरे मैं तो क्या हूँ, मैं तो क्या करता हूँ, उनकी बात बस तुम तक पहुँचाता हूँ। तो बच्चों कहता है क्या, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि पहले फंगी को कहां रख दिया गया था, किंगडम प्लांटी में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के पहले फंगस को रख दिया गया था बच्चों किंगडम प्लांटी में, बच्चों प्लांट्स के साथ। तो जैसे आप देखे होगे ना, तो कहता है ये भी मतलब फंगस भी सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी देखोगे सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वही सब सोच करके उन लोगों ने नाम दे दिया क्या, उन लोगों ने आपका फंगस को मतलब प्लांट्स के ही साथ रख दिया बच्चों। जानते हो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के पहले फंगस को प्लांट्स के साथ क्यों रखा जाता था बच्चों, क्योंकि प्लांट्स भी जमीन के ऊपर ग्रो करता है और फंगस भी ग्रो के जमीन के ऊपर ग्रो करता है, ऐसा सोच करके उन्होंने वो लोग क्या किए थे कि प्लांट्स के साथ फंगस को रख दिए थे। अब बच्चों तो आपसे अगर मेडिकल में क्वेश्चन पूछा कि बताओ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा नया किंगडम को जोड़ा गया, बताओ क्या आंसर होगा आपका, फंगी। क्या होगा बच्चों, फंगी। याद रखना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन सा नया किंगडम को जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, फंगी। क्या होगा आंसर, फंगी। अब बच्चों प्लांटी था ही पहले से, एनिमेलिया था ही बच्चों। ओके बच्चों एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, कहता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार बच्चों आप देखो कि मोनरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ है, मोनरा से बच्चों क्या इवॉल्व हुआ है, प्रोटिस्टा। और जैसे बच्चों आपको तो पता है ना कि दो दुनिया में दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो पता है आपको, तो पहले आपका प्रोकैरियोटिक सेल आए या यूकैरियोटिक सेल आए, तो आपको पढ़ाया गया है पहले दुनिया में प्रोकैरियोटिक सेल आए, वही प्रोकैरियोटिक सेल का बच्चों इवोल्यूशन हुआ तो बच्चों यूकैरियोटिक सेल बना। तो बच्चों किंगडम मोनरा में प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो बच्चों इस किंगडम मोनरा का बच्चों इवोल्यूशन हुआ तो बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा बना, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा है बच्चों एक सेल का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है। इसीलिए बच्चों मैंने यहां क्या लिखा है बताओ, कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार मोनरा सीम्स टू हैव गिवन राइज टू प्रोटिस्टा, मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार ऐसा लगता है जैसे मोनरा जो है, जैसे मोनरा जो आप कहोगे, जैसे मोनरा जो है उसी से आपका प्रोटिस्टा निकला है, जैसे मोनरा से ही प्रोटिस्टा निकला है बच्चों। और कहता है बच्चों कि जो प्रोटिस्टा है, इसी प्रोटिस्टा से बच्चों थ्री अदर किंगडम राइज हुआ है, इसी प्रोटिस्टा से बच्चों आपका प्लांटी निकला है, फंगी निकला है, एनिमेलिया निकला है, प्लांटी निकला है, फंगी निकला है और एनिमेलिया निकला है बच्चों। और आप जानते ही हो ये में आपका क्या होते हैं बच्चों, फोटोट्रॉप्स होते हैं, फंगी आपका क्या होते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स में मेनली आपका सेप्रोफाइट्स होते हैं बच्चों,
और ये आपका मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करोगे तो एनिमल्स भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं। और बच्चों दुनिया में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं ना बच्चों वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। बच्चों दुनिया में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनरा जो है उसी से आपका प्रोटिस्टा बना बच्चों, और वही प्रोटिस्टा से बच्चों थ्री अदर किंगडम, तीन अलग अलग किंगडम आपका इवॉल्व हुआ, लेकिन सेपरेट लाइंस, लेकिन सेपरेट लाइंस में। कहता बच्चों, कहता देख लो तीनों का लाइन अलग है बच्चों, तीनों का लाइन क्या है अलग है, सेपरेट लाइन है, तीनों का लाइन क्या है बच्चों अलग लाइन है बच्चों। तो आपको एकदम याद रखना है इस बात को बच्चों, ये सब बायोलॉजी का बेसिक है, ये सबको हाई लेवल मत समझना, ये सब बच्चों बायोलॉजी का बेसिक है, याद रखना। ओके बच्चों, बच्चों अब देखिए आर एच विटकर ने दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम्स में बांट दिया, तो ऐसे बांट दिया, कोई आधार होगा ना बांटने का, जैसे बताओ तुम्हारा आधार क्या है, आधार कार्ड मोदी जी दिए हैं, क्या दिए हैं आधार कार्ड, वैसे बच्चों कोई आधार होगा, उसी आधार पे आर एच विटकर ने दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा था। तो वो कोई कैरेक्टर्स, उनका आधार क्या था बच्चों, तो उन्होंने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स लिया था, है ना, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स लेकर के दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में बांट दिया था बच्चों। अब हम लोग वो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो कहता है बच्चों देखिए, कहता है जैसे बताओ अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम अपने आप में सोचो कि तुम्हारे तुम सोचो कि तुम एक बायोलॉजिस्ट हो, स्टूडेंट को गोली मारो, तुम सोचो तुम एक बायोलॉजिस्ट हो और तुम्हें दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटने का अधिकार दिया गया है, ठीक, तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटना चाहते हो बच्चों, तो खुद से सोचो सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर लोगे, जानते हो बच्चों, तो आप सबसे पहले लोगे सेल का टाइप, क्योंकि सबसे बेसिक कैरेक्टर वही है। क्यों है वही बेसिक कैरेक्टर बच्चों, क्योंकि आप जानते हो दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, और सेल दुनिया में बाबूरे दो ही तरह का होता है, बाबूरे सेल दुनिया में कितना तरह का होता है, दो ही तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो बच्चों आप कहोगे आप कहोगे बच्चों कि किंगडम मोनरा जो होता है ना, इसमें सेल का टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो बताओ बच्चों बाकी सब में यूकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक, बाकी सब में, अरे बोलो बाकी सब में यूकैरियोटिक, बोलो ना बाकी सब में यूकैरियोटिक, चिल्ला के बोलो ना बाकी सब में यूकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक। हाँ फिर सुनो ठीक, अब कहता है ध्यान दो, दूसरा बच्चों कहता सेल वॉल, कहता बच्चों आप लोग पढ़े थे नाइन्थ क्लास में पढ़े थे बच्चों कि आपका सेल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर में जो रिजिड कवरिंग होता है उसे सेल वॉल कहते हैं बच्चों। तो कहता है क्या सेल वॉल, तो किंगडम मोनरा में बच्चों सेल वॉल होता है, तो आप बच्चों बोलोगे सेल वॉल होता है। सिर्फ हम लोग बच्चों देखो एक बात मैं बताता हूँ, इस ये जो चार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इस चार्ट से एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा पांचों किंगडम का। आप ये मत समझना कि आप इसमें परफेक्ट हो गए बच्चों, ये नहीं है, एक बेसिक आइडिया आपको दिया जा रहा है। जैसे बच्चों किंगडम मोनरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किंगडम मोनरा में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। किस में नहीं होता है बच्चों, माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। आपको देखिए कि आपको एनसीईआरटी बुक के अनुसार, बच्चों एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको पढ़ना है किंगडम मोनरा में, किंगडम मोनरा में क्या क्या आते हैं बच्चों, तो बोलना है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज आते हैं बच्चों, इसके अलावा भी रिकेट्सिया आते हैं, एक्टिनोमाइसिटी जाते हैं बच्चों, लेकिन उनको आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको पढ़ना है किंगडम मोनरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो बोलोगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो बच्चों बैक्टीरिया के पास जानते हो, बैक्टीरिया के पास
सेल वाल होता है, साइनोबैक्टेरिया के पास भी सेल वाल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं होता है बच्चों। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं किंगडम मोनरा का डिटेल पढ़ाऊंगा। और एक बात और बच्चों, फिर यहाँ पे कहानी है कि बच्चों बैक्टीरिया भी दो तरह का होता है दुनिया में, आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया। तो बच्चों इस पूरे दुनिया में आप कहोगे कि आपका किंगडम मोनरा का कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा अवंडेंट है, वर्साटाइल है, जो हर जगह पाया जाता है, तो आप कहोगे बच्चों बैक्टीरिया। क्या बोलोगे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है ना बच्चों, कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? यूबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन बच्चों? यूबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन बच्चों? यूबैक्टीरिया। तो मेरा कहना है बच्चों कि आपका जो यूबैक्टीरिया होता है ना, देखिए अब बच्चों इस चार्ट में मैं सारा बैक्टीरिया के बारे में तो लिख नहीं सकता हूँ, तो आप कहोगे बच्चों कि यू बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है ना, वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो आपको मैं बोलूंगा बच्चों सेल वाल मेड अप ऑफ, ध्यान रखिएगा, सेल वाल मेड अप ऑफ, सेल वाल ऑफ किसका बच्चों? यू बैक्टीरिया का बच्चों, याद रखिएगा बच्चों। एक बच्चों मैं कहा सेल वाल ऑफ यू बैक्टीरिया, सेल वाल ऑफ यू बैक्टीरिया मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ बोलो क्या चीज, तो बोलोगे मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या होता है बच्चों पेप्टिडोग्लाइकेन, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, याद रखना बच्चों। यू बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, है ना बच्चों। पेप्टिडो का मतलब होता है, पेप्टिडो का मतलब होता है पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स का मतलब बच्चों एमिनो एसिड का शॉर्ट चेन, एमिनो एसिड का शॉर्ट चेन। ग्लाइकन का मतलब होता है बच्चों पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकन का मतलब पॉलीसेक्राइड। जब मैं तुम्हें यूनिट थर्ड में पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल, तो वहां पढ़ाऊंगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, इनके भी बच्चों आपका मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बच्चों। तो वहां आप जानोगे कि कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स रूप को पॉलीसेक्राइड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स रूप को पॉलीसेक्राइड कहते हैं बच्चों। ये आप पढ़ोगे बाद में, अभी बच्चों मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं क्या कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है बच्चों, कोई भी टीचर होगा तो अभी किंगडम मोनरा जो पढ़ाएगा तो यही बोलेगा कि यू बैक्टीरिया का सेल वाल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब बताओ बच्चों ग्लाइकन का मतलब पॉलीसेक्राइड, वो यहाँ थोड़ी पढ़ा देगा कोई भी टीचर, वो पढ़ाएगा पॉलीसेक्राइड को कहाँ? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, यूनिट थर्ड में। कहाँ पढ़ाएगा बच्चों? इलेवंथ क्लास का बायोलॉजी का यूनिट थर्ड में पढ़ाएगा बच्चों। तो बच्चों याद रखना, हर टॉपिक का अपना एक जगह है, आप हर टॉपिक को एक ही जगह नहीं पढ़ सकते हैं। अब ध्यान दो, चलो बच्चों आ जाओ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो होता है ना बच्चों, इसमें सेल वाल कुछ में होता है, कुछ में सेल वाल नहीं होता है। सेल वाल प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ में सेल वाल होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इन सम, है ना। फॉर एग्जांपल बच्चों इसमें पढ़ाऊंगा मैं डायटम्स, तो पढ़ाऊंगा डायटम्स का सेल वाल सिलिका का बना होता है, मेडिकल का कई कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायटम का सेल वाल बच्चों सिलिका का बना हुआ है। बच्चों डायनोफ्लैजेलेट्स, इसका सेल वाल बच्चों बना हुआ है सेलुलोज प्लेट्स का, डायनोफ्लैजेलेट्स का सेल वाल बना हुआ है सेलुलोज प्लेट्स का बच्चों। एक और एग्जाम्पल है बच्चों स्लाइमोट्स, उसमें उसका सेल वाल बच्चों पाया जाता है उसके स्पोर में। क्या होता है स्पोर, हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे। तो जो स्लाइम मोड्स होता है ना बच्चों, उनमें बोलोगे किंगडम प्रोटिस्टा में पांच ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स, सब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों ध्यान से। अभी मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ पांचों किंगडम का, याद रखिएगा। हम लोग को एक एक किंगडम को अलग अलग पढ़ना है, सेपरेटली पढ़ना है, और पूरा डिटेल में वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। तो मैंने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा में आप अपना एनसीईआरटी बुक खोलिए, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा में पांच तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। क्या क्या पढ़ना है बच्चों? तो आप बोलोगे आपका क्राइसोफाइट्स, जिसमें डायटम्स आते हैं, दूसरा बच्चों डायनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा यूग्लिना, चौथा बच्चों आप बोलोगे स्लाइमोड्स, पांचवा बच्चों प्रोटोजोअन्स।
अब बच्चों ध्यान देना, तो मैंने कहा डायएटम्स, डायनोफ्लेजलेट्स, इनके पास सेल वाल पाया जाता है, और स्लाइम मोड्स के पास सेल वाल नहीं है बच्चों। स्लाइम मोड्स के पास सेल वाल सिर्फ होता है उसके जब रिप्रोडक्शन के समय, स्लाइम मोड्स में रिप्रोडक्शन के समय जब स्पोर्स बनता है, स्लाइम मोड्स में जब रिप्रोडक्शन के समय जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय बच्चों स्पोर्स में आपका सेल वाल होते हैं, स्पोर्स में बच्चों सेल वाल होते हैं। चलिए बच्चों आगे फिर बढ़ते हैं, किंगडम फंगी बच्चों, किंगडम फंगी का जो बच्चों सेल वाल होता है ना बच्चों, याद रखना बच्चों, आपका बना होता है काइटिन से बच्चों, क्या का बना होता है काइटिन से बच्चों। तो किंगडम फंगी का सेल वाल बच्चों क्या से बना होता है काइटिन से, याद रखना बच्चों, हमसे कोई नींद नहीं पूछेगा, हम यही बोलेंगे किंगडम फंगी का सेल वाल बना होता है काइटिन से बच्चों। लेकिन बायोलॉजी में बच्चों हर जगह एक्सेप्शन है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किंगडम फंगी तो वहां पढ़ाऊंगा बच्चों किंगडम फंगी जो होता है ना, इसको बांटा गया चार क्लास में, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो किंगडम फंगी को बच्चों बांटा गया चार क्लास में, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो बच्चों इसका जो पहला क्लास होता है फाइकोमाइसिटिस, उसका एक सब क्लास है ऊमाइसिटिस, उसका सेल वाल बना होता है बच्चों सेलुलोज से, उसका सेल वाल बना होता है बच्चों सेलुलोज से। तो मैं पहले ही बोला बच्चों, आप एक जनरल बात पढ़ रहे हैं, आप ये मत समझे चार्ट पढ़ लिया आपको सारा किंगडम आ गया, नहीं कभी नहीं, इससे एक बेसिक आइडिया मिला बच्चों, आगे पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा बच्चों। अब जब प्लांटी, प्लांट का सेल बच्चों क्या से बना होता है आपको पता है अच्छे तरीके से, सेलुलोज से। क्या से बना होता है बच्चों, प्लांट का सेल बना होता है सेलुलोज से, क्या से बना होता है सेलुलोज से बच्चों। अब आ जाओ बच्चों किंगडम एनिमेलिया, क्या आ जाओ किंगडम एनिमेलिया, कहता है ऑब्सेंट, किंगडम एनिमेलिया में सेल वाल बचपन से पढ़ाया गया बाबू रे। तब बच्चों आप फिर से देखिए एक और नया कैरेक्टर बच्चों, देखिए एक नया कैरेक्टर और क्या है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जानते हो बच्चों, याद रखना किंगडम मोनरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाबू रे ऑब्सेंट होता है, और बाकी सब में पिपिया दो यानी कि प्रेजेंट, बाकी सब में क्या करो पिपिया दो पिपिया दो पिपिया दो, मतलब बच्चों क्या हो गया प्रेजेंट, क्या हो गया प्रेजेंट। ओके बच्चों अब फिर ध्यान देना मेरी बात को, तुम कहोगे कि सर ये तो आपने एनसीईआरटी वाला लाइन को लिख दिया तो आपने पढ़ाया क्या, तो सुनो अब मैं पढ़ाता हूँ समझाता हूँ बच्चों। कहता है जब आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे हम, ठीक ये बेसिक जैसे खत्म हो जाएगा बच्चों, तो किंगडम मोनरा शुरू करेंगे तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे बच्चों, तो आप देखोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो डीएनए प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है, डीएनए जो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है बच्चों, उसके चारों तरफ बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है बच्चों। मतलब कहने का मतलब कि डीएनए प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में रहता है बच्चों, डायरेक्ट कहाँ रहता है बच्चों साइटोप्लाज्म में रहता है बच्चों। साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों, तो सेल के अंदर का जेली लाइक मटेरियल। अब बच्चों फिर ध्यान देना, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बच्चों जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके रहता है उसके चारों तरफ बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके चारों तरफ बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बच्चों। इसीलिए बच्चों हम लोग कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों जैसे बैक्टीरियल सेल में बच्चों ट्रू न्यूक्लियस के जगह पे न्यूक्लोइड पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों न्यूक्लोइड पाया जाता है बच्चों। आपको अभी समझ में आया तब भी अच्छा, नहीं आया तब भी अच्छा, क्योंकि जब किंगडम मोनरा पढ़ाएंगे तो वहां आप पढ़ोगे कैसा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो ध्यान देना, तो आपने देख लिया बच्चों कि आपका किंगडम मोनरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और बाकी सब में प्रेजेंट।
तीसरा बच्चों चौथा ये, चौथा ये बच्चों कहता है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी बच्चों लाइन, जानते हो बच्चों। कहता है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर। क्या होता है बच्चों, तुम कहोगे सर सेलुलर क्या कहें, देखो बच्चों ध्यान देना बच्चों, पता है कहता है इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। इसका कहने का मतलब जानते हो क्या होता है, कि इनका एक ही सेल सारा लाइफ प्रोसेस करेगा। जैसे आप लोग बच्चों 10th क्लास में पढ़े थे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जो भी प्रोसेसेस हेल्प करता है उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। तो बच्चों कहता है जानते हो क्या, जो आपके बच्चों तो आपका किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों, उनका जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बच्चों मैंने कहा एक आप बैक्टीरियम को ले लो, जैसे बच्चों एक आप बैक्टीरियम को ले लो, किंगडम मोनेरा का एक एग्जांपल मैंने ले लिया एक बैक्टीरियम। बैक्टीरिया होता है बच्चों प्लूरल और बैक्टीरियम होता है बच्चों सिंगुलर। तो जानते हो बच्चों एक बैक्टीरियम एक सेल से बना हुआ है, और जानते हो बच्चों वो एक ही सेल वो सारा लाइफ प्रोसेस करेगा, चाहे न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, फलना हो, चिलना हो, एक्सेट्रा। अब ध्यान दो बच्चों, उसी तरह से बच्चों प्रोटिस्टा भी, प्रोटिस्टा की बात करोगे बच्चों ये भी आपका सेम लाइन, ये भी आपका बच्चों वही सेम। फंगी में आ जाओ बच्चों, तो फंगी में क्या हुआ बच्चों कि सेल्स मिल करके, आप अपना एनसीईआरटी बुक जो आपका लिखा है बच्चों उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, कि आपका एनसीईआरटी का कहना है बच्चों कि किंगडम फंगी जो होते हैं ना, किंगडम फंगी में ईस्ट एक फंगस है बच्चों, ईस्ट को छोड़ करके बाकी सारे लगभग सारे फंगस बच्चों, मैंने कहा बच्चों किंगडम फंगी में आपका मोस्ट ऑफ द फंगस जो होते हैं ना वो मल्टी सेलर होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू सच एज ईस्ट। तो कुछ ईस्ट को छोड़ दीजिए बच्चों, तो किंगडम फंगी में ईस्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों। तो मल्टी सेलुलर होते हैं तो कहने का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो इनमें आपका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया बच्चों वो हो गया आपका बच्चों, देखिए आपका एनसीईआरटी बुक लिखा है मल्टी सेलुलर, बोलो मल्टी सेलुलर लिखा है बच्चों मल्टी सेलुलर, या इसी को बच्चों और सेल्स मिल करके बच्चों लूज टिश्यू बना लिया, सेल्स मिल करके बच्चों लूज सेल्स जो है ना ग्रुप बना करके लूज टिश्यू की तरह काम करने लगे बच्चों, लूज मोशन की तरह नहीं बच्चों, एक ऐसा काम करने लगे लूज टिश्यू की तरह काम करने लगे, मतलब किंगडम फंगी में सेल्स ग्रुप बना करके ये लूज टिश्यू की तरह बच्चों काम करने लगे। और बच्चों किंगडम प्लांटी में आ जाओगे तो किंगडम प्लांटी में बच्चों आप कहोगे इसमें आपका एक जनरल बात किया जाता है बच्चों, तो किंगडम प्लांटी में बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बच्चों आपका टिश्यू लेवल का हो गया बच्चों, आपका ऑर्गेन लेवल का हो गया बच्चों, है ना। आप कहोगे जैसे आप लोग पढ़े थे बच्चों 9th क्लास में और 11th क्लास में बच्चों आप फिर पढ़ोगे एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, क्या पढ़ोगे कि प्लांट में टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, फिर आप उसका टाइप पढ़ाएंगे बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप्स होते हैं, फिर परमानेंट टिश्यूज के कितने टाइप होते हैं, हम लोग हर चीज को डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा प्लांट्स का प्लांट ऑर्गेन में बच्चों, तो प्लांट्स में आपका ऑर्गेन्स बन गए, प्लांट्स में क्या बन गए बच्चों ऑर्गेन्स बन गए, तो कहता है ये आपका किंगडम प्लांटी जो होते हैं ना उसमें प्लांट्स आते हैं बच्चों, और वही कहोगे प्लांट्स का जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों टिश्यू लेवल का है, ऑर्गेन लेवल का है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों किंगडम एनिमेलिया में बात करोगे बच्चों, तो किंगडम एनिमेलिया में देखिए आपका एनसीईआरटी बुक है ना थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया है लाइन को,
क्या छोड़ा है बच्चों एनसीईआरटी बुक, तो कहता है किंगडम एनिमेलिया। जब मैं पढ़ाऊंगा तो किंगडम एनिमेलिया का पहला फाइलम है पौड़ी फेरा। कौन है बच्चों? पौड़ी, मंगल फेरा नहीं बच्चों, मंगल फेरा नहीं, पौड़ी फेरा। तो कहता है किंगडम एनिमेलिया का पहला फाइलम है पौड़ी फेरा। तो इस फाइलम पौड़ी फेरा का जो बच्चों, पौड़ी फेरा फाइलम में बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। बच्चों एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, किंगडम एनिमेलिया में फाइलम पौड़ी फेरा से लेकर के फाइलम कोर डेटा तक, लास्ट फाइलम है कोर डेटा, फाइलम पौड़ी फेरा से लेकर के फाइलम कोर डेटा तक सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं। मतलब किंगडम एनिमेलिया का फाइलम पौड़ी फेरा से लेकर के फाइलम कोर डेटा तक सभी में बच्चों मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं। मतलब फाइलम पौड़ी फेरा में जो एनिमल्स आते हैं बच्चों वो भी होंगे मल्टी सेलुलर, लेकिन बच्चों सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बनाया, सेल्स जो है सेल्स मिलकर के बच्चों टिश्यू की तरह काम नहीं किया बच्चों, इसीलिए बच्चों लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, सेलुलर ही है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा किंगडम एनिमेलिया का फाइलम पोरीफेरा का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर। मतलब किंगडम एनिमेलिया का जो पहला फाइलम है बच्चों पोरीफेरा, उनका बॉडी बना हुआ है बच्चों मल्टी सेलुलर, उनका बॉडी बना हुआ है बहुत सारा सेल्स से, लेकिन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। कहने का मतलब बच्चों कि भाई सेल्स जो है वह आपका सेल्स ग्रुप बना करके टिश्यू की तरह काम नहीं किए, सेल्स ग्रुप बना करके टिश्यू की तरह बच्चों काम नहीं किए, याद रखिएगा बच्चों। अब कहता है बच्चों, फिर सुनिएगा दूसरा, ये सब आपको पढ़ाएंगे एकदम डिटेल से। दूसरा बच्चों टिश्यू लेवल आपको पढ़ाएंगे बच्चों, फाइलम पौड़ी, फाइलम सिलेंटेटा बच्चों और फाइलम टीनोफोरा बच्चों, इनमें क्या हुआ, तीन में बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बच्चों टिश्यू लेवल का हुआ। तो जब मैं आपको किंगडम एनिमेलिया पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पहली पहली बार फाइलम सिलेंटेटा में सेल्स ग्रुप बना करके टिश्यू की तरह काम किए। तो बताओ यार बच्चों, तो मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह एनिमल्स कौन था जिसमें पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, तो उसका आंसर बच्चों सिलेंट्रेट्स है। अब बच्चों फिर जब आप पढ़ोगे प्लेटी हेलमेंथिस बच्चों, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, उसमें आप पढ़ोगे उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बच्चों ऑर्गेन लेवल का है। किस लेवल का है बच्चों? ऑर्गेन लेवल का है बच्चों। और जानते हो बच्चों फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस के बाद जितने फाइलम होते हैं बच्चों वो सारे के सारे में बच्चों ऑर्गेन सिस्टम होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? ऑर्गेन सिस्टम। तो बच्चों आप जानते हो, जैसे तुम अपना लो, तुम ह्यूमन हो, तुम अपना लो बच्चों, अपने बारे में तुम जानो कि मान लो बच्चों तुम्हें रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है तुम्हारे में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना हुआ है बच्चों? ऑर्गेन से, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन से। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स कैसे बना हुआ बच्चों? तो आपका टिश्यूज से, टिश्यूज कैसे बना होता है बच्चों? सेल्स से। तो बताओ बच्चों हम लोग बच्चों क्या हैं? हम लोग कहोगे ह्यूमन जो हैं, हम लोग हाईली डेवलप्ड एनिमल्स आते हैं होते हैं बच्चों, हम लोग हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं। और हम लोगों में बच्चों क्या होता है ना, हम लोगों में क्या होता है बच्चों कि आपका कोई भी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए हमारे पास बच्चों सिस्टम है ना, रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन करने के लिए बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए बच्चों नर्वस सिस्टम है बच्चों, इंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों। कहता है ना मूवमेंट करने के लिए बच्चों, जानते हो बच्चों मस्कुलर सिस्टम है बच्चों, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है बच्चों। तो कहने का मतलब आप समझ गए होगे बच्चों, एक्सक्रीशन करने के लिए बच्चों हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और एक और कैरेक्टर लास्ट हम लोग देखते हैं क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों। अब हम एक और बच्चों कैरेक्टर देखते हैं जो पांचों किंगडम्स को बच्चों डिस्टिंग्विश करता है। देखो बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
बच्चों आपको बचपन से पढ़ाया गया था न्यूट्रिशन का दो मोड होता है, यानी कि न्यूट्रिशन का बच्चों दो टाइप होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना अपना अपना खाना को खुद बनाते हैं बच्चों, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों क्या होता है ऑर्गेनिज्म अपना खाना को खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वह हेटरोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ये आपको बच्चों बचपन से पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है तो बच्चों मेरा गलती नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो मेरा गलती नहीं है। तो बच्चों आप सुनो, किंगडम मोनरा में बच्चों किंगडम मोनरा में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बच्चों, कौन सा न्यूट्रिशन, किंगडम मोनरा है बच्चों, बहुत बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ, किंगडम मोनरा है बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ना बच्चों, कहता है जानते हो ये आपका दो तरह का होता है बच्चों, कितने तरह का होता है बच्चों, दो तरह का होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किंगडम मोनरा में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों दो तरह का होता है बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपका कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये सब आपको डिटेल पढ़ाएंगे बच्चों। तो बताओ बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं बच्चों, वैसे ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं बच्चों वो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे बच्चों आगे। दूसरा बच्चों फिर सुनिएगा, कहता है क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों। तो जानते हो बच्चों फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करोगे तो आप कहोगे बच्चों जानते हो कि आपका किया जो ये लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं बच्चों, लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं बच्चों, उसे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। तो जानते हो दुनिया में जब 12th क्लास में आपको जब बच्चों हम इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो दुनिया में आपका कौन सा ऑटोट्रॉफ पहले आया था, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले आया था बच्चों, फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आया था बच्चों, ये सब पढ़ाएंगे आपको डिटेल से बच्चों। उसके बाद कहता है अभी नहीं बच्चों, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अब बच्चों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सुनिए। तो बच्चों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर बात करोगे बच्चों तो आपका किंगडम मोनरा में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ना बच्चों, कहोगे किंगडम मोनरा है बच्चों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर आप बात करते हो तो एक आ जाएगा बच्चों पैरासिटिक, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, और एक बच्चों आ जाएगा क्या चीज, आप कहोगे आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिटेल से। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं सैप्रोफाइट्स, और पैरासाइट क्या होते हैं बच्चों, ये लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ये भोजन के लिए बच्चों डिपेंडेंट होते हैं बच्चों। ये हम लोग आगे देखेंगे कि बच्चों बताओ पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिज्म लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी से भोजन लेते हैं बच्चों, ठीक। जैसे मान लीजिए है ना कोई ह्यूमन है, मान लीजिए किसी ह्यूमन को मान लीजिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया बच्चों, तो बैक्टीरिया बच्चों क्या है, वो पैरासाइट है, वो हमसे बच्चों भोजन ले रहा है, हम हो गए होस्ट ऑर्गेनिज्म बच्चों, ओके। और मान लो तुम देखियो रोड के किनारे मान लो कोई कुत्ता मर गया बच्चों, अब उस कुत्ता पे देखियो कोई उसको बैक्टीरिया उस कुत्ता पे लग गया, वो बैक्टीरिया क्या करता है ना उस कुत्ता का बॉडी को डिकम्पोज कर देता है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है। तो बच्चों याद रखिएगा, तो मैं अभी हम लोग एक बेसिक आइडिया बस इतना चलना है बच्चों, बस इतना बेसिक आइडिया हम लोग को चेक लेके चलना है कि बताओ किंगडम मोनरा में दो तरह का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक भी है हेटरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक का टाइप है बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बच्चों टाइप है पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक बच्चों। अब आइए बच्चों प्रोटिस्टा में बात करोगे बच्चों, तो प्रोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बच्चों, तो क्या होता है, कुछ करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
बच्चों कुछ करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बच्चों हम देखेंगे कौन कौन करते हैं, और बच्चों कुछ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बच्चों, तो आपका कुछ आपका होते हैं पैरासिटिक, कुछ होते हैं बच्चों आपका सेप्रोफिटिक, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ होते हैं बच्चों होलोजोइक, जैसे बच्चों देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों तीन तरह का होता है दुनिया में, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक। हम लोग भी बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, हम भी क्या करते हैं बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, याद रखिएगा। हम लोग भी, हम क्या, हम लोग एनिमल्स हैं ना बच्चों, तो ह्यूमन जो होते हैं ना ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों, है ना। मतलब हम लोग कंप्लीट फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं बच्चों, और उसको डाइजेस्ट भी कहाँ करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा फंगी में आइए बच्चों, फंगी जो होते हैं ना, दुनिया का कोई भी फंगस बच्चों अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दुनिया का सारा फंगस बच्चों आपका हेटरोट्रॉफिक होता है। दुनिया का सारा फंगस क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। दुनिया का सारा फंगस बच्चों, दुनिया का सारा फंगस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। दुनिया का कोई फंगस आज तक ऐसा नहीं मिला बच्चों का जो आपका अपना खाना खुद बनाए। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है बच्चों, तो याद रखना कि मोस्ट ऑफ द फंगस जो होते हैं बच्चों वो होते हैं आपका सेप्रोफाइट्स। मोस्ट ऑफ द फंगस बच्चों सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, समझे। और कहोगे कुछ फंगस होते हैं बच्चों वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये सब बच्चों बेसिक है जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लांटी कहता है बच्चों दुनिया में, बोलो दुनिया में मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों। लेकिन मैंने क्या कहा बच्चों, बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। कहता है बच्चों, कहता है कसकटा नाम का एक प्लांट को नाम सुने होंगे बच्चों, कसकटा या अमरवेल, कसकटा प्लांट या अमरवेल नाम का बच्चों एक प्लांट है, जानते हो वो प्लांट पैरासिटिक प्लांट है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है बच्चों, उसका पत्ता में क्लोरोफिल नहीं होता है बच्चों, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, इसीलिए कसकटा प्लांट क्या करता है ना बच्चों, कसकटा प्लांट अपना रूट को कनेक्ट कर देता है एक होस्ट प्लांट के स्टेम के साथ। जैसे बच्चों मान होस्ट प्लांट, जैसे मान लीजिए नींबू, जो नींबू का प्लांट होता है बच्चों, नींबू का प्लांट, उस नींबू का प्लांट के स्टेम के साथ अपना रूट को कनेक्ट कर देता है कौन बच्चों, कसकटा प्लांट या अमरवेल प्लांट, जानते हो बच्चों। तो कुछ इस तरह से कनेक्ट करता है ताकि कसकटा प्लांट का रूट का जाइलम नींबू प्लांट के स्टेम के जाइलम के साथ कनेक्ट हो जाए। तो बताओ बच्चों वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और बच्चों कसकटा प्लांट का रूट का फ्लोएम नींबू प्लांट के स्टेम के फ्लोएम के साथ बच्चों कनेक्ट हो गया, तो बताओ बच्चों आपका फूड का भी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसे बच्चों हाँ इस धरती पे सरवाइव करता है कौन सा प्लांट बच्चों, कसकटा प्लांट। तो एक्सेप्शन बच्चों हर जगह है, लेकिन पहले मैंने कहा कि अगर पांचों किंगडम का इस चार्ट में, ये पांचों किंगडम का बच्चों चार्ट है, इस चार्ट में हर चीज़ नहीं पढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा बात को। और लास्ट बच्चों एनिमेलिया, अब पता है बच्चों किंगडम एनिमेलिया में, ये बात कोई नहीं बढ़ा बताएगा तुमको, किंगडम एनिमेलिया में दुनिया के सारे एनिमल्स आते हैं। तो बच्चों किंगडम एनिमेलिया में दुनिया के सारे एनिमल्स आते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि एनिमल्स जो होते हैं ना बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों आपका ये मेनली करते हैं कौन सा, मोस्टली जो कहते हैं बच्चों होलोजोइक। मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली जो होते हैं ना बच्चों मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों। कहता है कुछ पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों कुछ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये बात बच्चों याद रखना है। अब बच्चों हम लोग लास्ट कुछ का, तीनों अब पाँचों का कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको पढ़ा के ख़त्म करते हैं बच्चों। अब हम लोग पांचों किंगडम का बच्चों कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों तो किंगडम मुनरा जो है इसमें आपको बच्चों पढ़ना है, देखिए बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो पढ़ाएंगे बच्चों, इस बैक्टीरिया का दो टाइप पढ़ाएंगे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया।
फिर बच्चों साइनोबैक्टीरिया, यह बच्चों साइनोबैक्टीरिया का अलग से पढ़ना है बच्चों, बैक्टीरिया अलग है साइनोबैक्टीरिया अलग है, और बच्चों माइकोप्लाज्मा, आपको इतने चीज़ के बारे में पढ़ना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेडिकल का एग्जाम में सबसे क्वेश्चन हर साल आता है, ऐसा कोई साल नहीं जिससे आता नहीं क्वेश्चन बच्चों, इसीलिए कितने बच्चे ना डाइवर्सिटी को रटने के चक्कर में बच्चों सोचते हैं वो कौन रटेगा, है ना बोरिंग लगता है, अरे बोरिंग लगता है तो क्या हुआ, बोरिंग लगता है तो क्या हुआ, अगर कोई चीज़ याद करने से अगर तुमको नंबर मिल जाता है मेडिकल का, एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है बच्चों, अब 12 क्वेश्चन आता है डाइवर्सिटी से, 10 से 12 क्वेश्चन आता है, तो बताओ बच्चों 10 क्वेश्चन ही आया, 10 चौके 40 मार्क्स गया ना बच्चों, इसे नहीं एक एक लाइन को पढ़ना है। अब बच्चों प्रोटिस्टा में आ जाओ, प्रोटिस्टा में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, क्राइसोफाइट्स, बच्चों क्राइसोफाइट्स आता है बच्चों, डायनोफ्लेजलेट्स आता है, ये सब हम लोग देखेंगे बच्चों, डायनोफ्लेजलेट्स आता है बच्चों, यूग्लिनोइड्स आता है बच्चों, है ना कहता है बच्चों, उसके बाद स्लाइमोड्स आता है बच्चों, और बच्चों प्रोटोजोन्स आता है, हम लोग को इतना भी चीज़ इतना पढ़ना है बच्चों इनके बारे में, ओके। उसके अलावा बच्चों फंगी की बात करते हैं, फंगी में आपका बोलोगे बच्चों आप फंगस का कई नाम सुने होगे, आप लोग 10th क्लास पास करके आए बच्चों, 10th क्लास पक्का पास किए हो ना तुम लोग, ठीक, तो 10th क्लास पास करके आप लोग आए होगे, तो 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो फंगस लगता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ब्रेड मोल्ड इसको राइजोपस कहते हैं, राइजोपस। उसके अलावा बच्चों बहुत सारा फंगस है, ये किंगडम फंगी में सब पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा तो तुम लोग बोरिंग हो जाओगे बच्चों, ईस्ट है ना वही नाम बोल रहे हैं जो तुम्हें कॉमन है, जैसे ईस्ट बच्चों इसका प्रयोग बच्चों ब्रेड इंडस्ट्री में होता है बच्चों, इस दारू बनाने के लिए बच्चों है ना, अल्कोहल बनाने के लिए बच्चों इसका यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है बच्चों, ये 12th क्लास में पढ़ोगे बच्चों, अल्कोहल कैसे आपका जो वेवरेज इंडस्ट्री होता है बच्चों है ना, जहाँ पे दारू बनाई जाती है बच्चों, आप रम के बारे में, रम क्या होता है, विस्की क्या होता है बच्चों, वाइन क्या होता है, बियर क्या होता है ना, ये ब्रांडी क्या होता है बच्चों, सबके बारे में आपको अंतर पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में बच्चों, है ना ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्लांटी, किंगडम प्लांटी बच्चों, प्लांट्स आता है बच्चों, प्लांट जानते हो तो कुछ नाम लिख दो प्लांट्स का बच्चों, आम लिख दो बच्चों, मैंगो लिख दो, पीपल का पत्ता हवा में लहराए रे, ये सब भी आप बच्चों तुम्हारा मन है बच्चों ये सब भी आप लिख सकते हो, कहता है बच्चों है ना बनाना लिख दो बच्चों, जो आता है ETC कितना लिखोगे बच्चों सब काम चलेगा। उसके अलावा एनिमलिया बच्चों खुद अपना नाम पहले लिखो, दूसरा का नाम कहाँ लिखेंगे, पहला अपना नाम लिख दो, फिर तुमको मन कर रहा है कुत्ता का नाम लिखने का तो बच्चों कुत्ता का नाम लिख दो बच्चों, है ना कहता है। उसी तरह से तुम्हें जो भी है, जो भी एनिमल्स तुम देखे हो, अभी तो पढ़ना कहानी बाकी है बाबू रे, अर्थवॉर्म्स वगैरह बच्चों, कॉकरोच बच्चों, ये सारा एनिमल्स बच्चों। तो बच्चों आप बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये बच्चों आज मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया, आज मैंने आपको बच्चों बताया कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बच्चों बांटा गया। अब सुन लो बच्चों, बच्चों सुन लो, हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, हम लोग को हर किंगडम को बच्चों डिटेल से पढ़ना है, मुंड्रा को डिटेल से पढ़ना है, प्रोटिस्टा को, फंगी को, प्लांटी को, एनिमेलिया को, यही 5 किंगडम को हमें पढ़ना है बच्चों एकदम डिटेल से, ओके बच्चों। बोलो बात आपको समझ में आया बच्चों, बच्चों एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम सुनिए बच्चों, बच्चों काल उज के अनुसार 1990 में कहता 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, लेकिन बच्चों टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा NCERT बुक लिखा है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है बच्चों हायर क्लासेस में,
ओके बच्चों, जैसे प्लस टू करने के बाद आप चाहे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए या मेडिकल कॉलेज में चले गए बच्चों, तो कहता है हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को। बच्चों हमारा सिलेबस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक ही भटकता है बच्चों। कहता है क्या, ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है बच्चों, जिसको दिया था कार्ल उज नाम के साइंटिस्ट ने, इसके इन्होंने इनके अनुसार बच्चों छः किंगडम इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितना किंगडम बांट दिया, तो कार्ल उज ने बच्चों दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिक्स किंगडम्स में बांट दिया। बच्चों आपका सिक्स किंगडम्स का नाम है बताओ, आर्किबैक्टीरिया, उसके बाद बच्चों यू बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर बच्चों फंगी, और फिर बच्चों प्लांटी, और फिर बच्चों एनिमेलिया। जानते हो बच्चों एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में जानते हो क्या किया इसने, क्या किया बच्चों, किंगडम मोनरा को दो भाग में बांट दिया, मेनली आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। अगर आप बेसिकली देखोगे, कोई पूछा शॉर्ट में समझाने के लिए, तो आप कहोगे ऐसे कि एक्चुअली आर एच भिटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो देखो प्रोटिस्टा है ही, फंगी है ही, प्लांटी है ही, एनिमेलिया है ही, तो इसने क्या किया बच्चों, किंगडम मोनरा को बांट दिया दो ग्रुप में बच्चों, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ओके बच्चों, तो सिक्स बच्चों सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। बच्चों सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। बच्चों थ्री डोमेन सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म को बांटा गया बच्चों थ्री डोमेन्स में, ऑर्गेनिज्म को बच्चों बांटा गया थ्री डोमेन्स में बच्चों बांटा गया। कहता है डोमेन एक आपका आर्किया, एक यू बैक्टीरिया और एक यू कैरिया। बच्चों आर्किया में रखा गया अर्ली प्रोकैरियोट्स, जो शुरुआती दौर के ऑर्गेनिज्म, शुरुआती दौर के जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे बच्चों उनको रखा गया जैसे आर्किबैक्टीरिया। बच्चों यू बैक्टीरिया बच्चों इसमें रखा गया बच्चों ट्रू बैक्टीरिया है ना, जो जो भी अभी की जो भी कॉमन बैक्टीरिया है बच्चों, हम जिस बैक्टीरिया का बात करते हैं नॉर्मली बच्चों, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों वो इस यू बैक्टीरिया में आते हैं। इनका हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। देखिए आर्की जो है आर्किया में आता है बच्चों, कौन, अर्ली प्रोकैरियोट्स मतलब आर्किबैक्टीरिया, और आर्किबैक्टीरिया जो मैंने कहा बच्चों, आर्किबैक्टीरिया जो मैंने कहा बच्चों ये शुरुआती दौर के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके बच्चों, मतलब और ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते थे बच्चों जहाँ का जो कंडीशन जो है वो कहिए क्या था, फेवरेबल नहीं था, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में वहाँ दिक्कत होगा, ऐसे जगह पे बैक्टीरिया रहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, कहता है दूसरा, और यू बैक्टीरिया हम लोग जिस बैक्टीरिया की बात करते हैं नॉर्मली सब सब यू बैक्टीरिया में बच्चों आते हैं। कहता है एक है बच्चों यू कैरिया डोमेन, इस यू कैरिया डोमेन में बच्चों क्या आता है, इसमें प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया को रख दिया गया बच्चों। तो बच्चों बताइए आपको ये क्लास मेरा कैसा लगा बच्चों, अगर अच्छा नहीं भी लगा बच्चों तभी आपके भविष्य के लिए बच्चों अच्छा है, इतना आपको बेसिक बच्चों पढ़ना पड़ेगा। और अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग किंगडम मोनरा पढ़ेंगे, तो प्लीज़ जाकर के इसको अच्छे से जाकर के आज मेरा वीडियो को आप सुनिएगा बच्चों। मैंने आपको पहले ही कहा शांत जगह में बैठ करके आपको सुनना है बच्चों, एक घंटा सीरियसली, पढ़ाई को बच्चों जो मजाक समझा उसका जिंदगी मजाक बन जाता है।